हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लवर्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि भारत में सल्तनत काल की स्थापना कब और कैसे हुई और 300 वर्ष की इस युग की समाप्ति किस तरह हुई। इस्लाम धर्म के अनुयायियों में से भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले अरब थे। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर पहला सफल आक्रमण किया। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। अरब लोग भारत में एक स्थायी शासन स्थापित करने में असफल रहे। भारत की भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय गजनवी वंश के तुर्क सुल्तान महमूद गजनवी को दिया जाता है, परंतु भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय शंसबानी वंश के मोहम्मद गौरी को प्राप्त हुआ। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया। मोहम्मद गौरी द्वारा भारत में जिन क्षेत्रों को जीता गया, उन क्षेत्रों पर बाद में उसके एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता की स्थापना की और यहीं से भारत में सल्तनत काल की शुरुआत हुई। भारत में 13वीं शताब्दी में जिस तुर्की सत्ता की स्थापना हुई, उसे सल्तनत काल और उसके शासक को सुल्तान इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने बगदाद के खलीफा से समय समय पर सनद प्राप्त की थी। चूंकि अधिकांश समय सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत कहा गया। 1206 से 1290 के मध्य में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। हालांकि वे सभी तुर्क थे, परंतु उनके वंश अलग अलग थे। दिल्ली का पहला तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्श उर्फ सुल्तान शमसुद्दीन को मारकर उसके सरदार जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना की। अफगानिस्तान के हेलमंद नदी घाटी के प्रदेश को खलजी के नाम से पुकारा जाता था और जो जातियां उस प्रदेश में बस गई उन्हें खलजी पुकारा जाने लगा। जलालुद्दीन के वंशज उन्हीं जातियों में से थे। भारत में खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 तक था। खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह का वध करके उसके एक सरदार गाजी तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर तुगलक वंश की स्थापना की। इस तरह गयासुद्दीन तुगलक ने एक नए राजवंश तुगलक वंश की नींव डाली। तुगलक किसी नस्ल अथवा वंश का नाम नहीं था। गयासुद्दीन तुगलक का नाम गाजी तुगलक था, इस कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। 1412 को तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। 1413 में सरदारों की सहमति से दौलत खान लोदी सुल्तान बना, परंतु तैमूर के एक सेनापति खिज्र खान ने दिल्ली पर आक्रमण किया, दौलत खां को परास्त कर कैद कर लिया और 1414 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर एक नए राजवंश सैयद वंश की नींव डाली। सैयद वंश का शासनकाल केवल 37 वर्ष का रहा। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह सबसे अयोग्य था। वह अपने वजीर हमिद खां से झगड़कर बदायूं चला गया और वहीं रहने लगा। सरहिंद के गवर्नर बहलोल लोदी ने हमिद खां को हराकर संपूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया और इस तरह भारत में लोदी वंश की स्थापना हुई। सल्तनत युग में दिल्ली के सिंहासन पर राज्य करने वाले राजवंशों में लोदी वंश अंतिम था। लोदी वंश सल्तनत काल का प्रथम अफगान वंश था। बहलोल लोदी अफगानिस्तान के गिजलाई कबीले की शाह खेल शाखा से संबंधित था। बहलोल लोदी ने 1451 में इस वंश की स्थापना की। सिकंदर लोदी ने उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि की तथा इब्राहिम लोदी जब इसी दिशा में प्रयास कर रहा था तब बाबर ने भारत में आक्रमण किया और दिल्ली के लोदी सुल्तानों की सत्ता को समाप्त करके गुलाम वंश की नींव डाली। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था और युद्ध भूमि में उसकी मृत्यु के साथ लगभग 300 वर्षों के दिल्ली सल्तनत काल का भारत से समापन हुआ।